प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त तत्वावधान में 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन बूस्टर डोज लगाने के कार्य का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महापौर निर्मल कोसरे थे, अध्यक्षता MIC सदस्य देव कुमार भलावी ने की। भारत सरकार के द्वारा चूंकि नियम को शिथिल नहीं किया जा रहा था, अभी नियम शिथिल होने के कारण राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास से 60+ वालों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा था। जो सामान्य वर्ग के लोग थे उनको प्राइवेट जगहों पर जाकर बूस्टर डोज लगवाना पड़ता था, जिसके तहत उनको 300 रुपये या 350 रुपया राशि अदा करना पड़ता था। लेकिन राज्य सरकार ने इसमें प्राथमिकता से उन्होंने तय किया और 15 जुलाई से निःशुल्क रूप से सारे लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। पहले 9 महीना का अवधि था, जिसको कम करके 6 महीना की अवधि किया गया है। जो 6 महीना पहले जो सेकेंड डोज लगा चुके हैं उनको बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई से निःशुल्क बूस्टर डोज की शुरुआत की गई मेरी उपस्थिति में। साथ ही साथ चरौदा में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज बाजार वार्ड में भी बूस्टर डोज का शिविर लगा हुआ है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हमारे नगर निगम के वार्डों में, जो बड़े बड़े वार्ड हैं, वहाँ पर भी शिविर लगाकर बूस्टर डोज के लिए लोगों को बुलाया जाएगा। मैं मीडिया के माध्यम से, आप साथियों के माध्यम से लोगों को भी अपील करना चाहता हूँ, जो सेकंड डोज लगा चुके हैं वो बूस्टर डोज लगाएं। टीका ही कोरोना का रोकथाम का समुचित उपाय है, इसलिए आप सभी आएँ और बूस्टर डोज अवश्य लगवाएँ। कोरोना अभी बढ़ते चरण में है, तो राज्य सरकार ने बूस्टर डोज के टीका का अभियान चालू किया है। वो 60 साल को पहले लगा रहे हैं, उसके बाद युवा, उसके बाद बच्चा, ऐसा करके अभियान को जारी रख दिया है और सबको आज निर्देश दे रहे हैं प्राथमिकता में बचाव करें और बच के रहें कोरोना से। धन्यवाद।